इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले सुर्खी, लॉकडाउन को लेकर अभी कोई ठोस फैसला नहीं, बेंगलोर में रात का कर्फ्यू दफा 144 लागू। कांग्रेस की जानिब से लॉकडाउन नाफिज न करने की मांग। सीएम इब्राहिम ने कहा कि लॉकडाउन करने से पहले हर एक को 25,000 रुपए दिए जाए। पहली से 9वीं के इम्तिहानात किए गए रद्द। बेलगाम कॉर्पोरेशन चुनाव रिजर्वेशन को पहले की तरह रखा। वार्ड पुनर्रचना पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल। बेलगाम में कोरोना के मद्देनजर सख्त पाबंदियां, कर्फ्यू नहीं। इससे पहले अहम मौजू, आज का अहम मौजू, अंधभक्त आखिर कब सुधरेंगे, अंधभक्तों का क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी भयानक तस्वीर तो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। औलाद माँ की गोद में दम तोड़ता देखे जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं है, अस्पताल भरे हुए हैं। दिल्ली हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला लिया तो एक बार फिर मजदूर अपनी घरों की तरफ जाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। रेल बस अड्डे पर भीड़ दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 6 दिन के लॉकडाउन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा बेड का इंतजाम भी किया जाएगा। वही आवाम का कहना है कि जब पूरा साल था तब आपने कुछ नहीं किया, तो अब 6 दिनों में क्या कर पाओगे। इसका मतलब पिछले लॉकडाउन से हमने कुछ सीखा नहीं है। खैर, बात अंधभक्तों की हो रही है तो ताज्जुब इस बात का है कि अंधभक्त खुद भी कुछ काम नहीं करते, लिहाजा हर एक मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। गुजरात अहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन शमशान घाट भरे हुए हैं, लकड़ियां नहीं मिल रही, लाशों का अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये भी बात बताता चलूं कि तकरीबन देश में मुस्लिम समाज की जानिब से ऑक्सीजन हो या अस्पतालों में बेड, यहां तक मस्जिदों को अस्पतालों में तब्दील किया गया। और महज अहमदाबाद की तस्वीर नहीं है, पूरे देश में खासकर मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम समाज खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों को पेश पेश देखा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, जब भी कभी माशरे पर, देश पर मुसीबतें आती हैं तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम इदारे पेश पेश हमेशा रहते हैं। खैर, इन्हें फिर भी देशद्रोही बनाने की कोशिश, साजिश है इन अंधभक्तों की जानिब से की जाती है। पर ये बातें भी अंधभक्तों को हजम नहीं हो रही है। ऐसा दौर जब बाप की लाश को बेटा उठाना नहीं चाहता, कोरोना का डर इतना है कि रिश्ते नाते सब अलग होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वक्त में भी गुजरात के शमशान में मुस्लिम नौजवान 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे, जहां लाशों को यूं ही छोड़कर जा रहे हैं। सोचने की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि यह ऐसा मर्ज लोगों के सामने आ चुका है कि लोग लाशों को छोड़कर जा रहे हैं। तो ये वही उन नौजवान उन्हीं लाशों को लेकर तमाम रस्म रिवाज के साथ, यानी कि तमाम हिंदू रस्म रिवाजों के साथ आखिरी रसूमात को अंजाम दिए जा रहे हैं। पर मुस्लिम नौजवानों के इन कामों पर भी अंधभक्तों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि मुसलमान नौजवान शमशान में क्यों है। कहने का मतलब, खुद तो काम कर नहीं रहे, पर इंसानियत के नाते कामों को जो लोग अंजाम देने वाले हैं उन पर भी ऐतराज करते दिखाई दे रहे। इसी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई, यहां तक कि मस्जिद को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। आखिर इन अंधभक्तों के दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, इसका इलाज करें भी तो कैसे। देश को फिलहाल नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, और यकीनन मोहब्बत की फिजाएं भी इन्हीं खिदमत खल्क के जरिए से आम हो रही है। पर नफरत के स्वामी भी इस भारत में कुछ कम नहीं है। जब भी इन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फिजा आम हो रही है, तो कुछ ना कुछ इस्लाम मुसलमान कुरान के खिलाफ बोलकर माहौल में जहर घोलने की कोशिश की जाती है। दरअसल इन्हें हुकूमतों की शय भी हासिल है, तभी तो खुले आम जो चाहे बयानात दिए जाते हैं। अगर इन्हीं स्वामियों की तरह कोई मौलाना बयानबाजी करते तो फौरी तौर पर मुकदमे दाखिल किए जाते। खैर, लिहाजा एक बार फिर कोरोना के दौर में सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ अंधभक्तों का काफिला सरगर्म हो रहा है। इनका IT सेल इनमें पेश पेश है, तो अब इन अंधभक्तों को कौन बताए कि प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ रुपया लगाकर दुनिया का ऊंचा पुतला खड़ा करने में लगाए, वो भी चाइना से मंगवाया, 3,000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, 700 करोड़ का BJP पार्टी दफ्तर बनाया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाया। अगर नहीं बनाया तो अस्पताल नहीं बनाया, ऑक्सीजन नहीं बनाए, बेड नहीं बनाए, लोगों को जो जरूरतों की चीजें हैं उन्हें नहीं बनाया। आप भक्तों को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो कुछ अच्छा सोच सकोगे तुम।
एक समाज की नफरत के लिए, इतनी नफरत के तुमने अपने समाज के लिए क्या किया वो तो बता। लिहाजा सभी से गुजारिश है कि ऐसे मुश्किल दौर में अंधभक्तों की साजिशों के जाल में ना फंसे, बिना किसी धर्म मजहब जात पात भाषा को न देखते हुए अपने खिदमात को यूं ही जारी रहे, यूं ही अंजाम देते रहे। इसलिए कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और रमजान के मुबारक महीने में यह खिदमात कभी जाया नहीं जाएंगी, बल्कि इसका अज्र और सवाब बेहिसाब मिलेगा, भले ही अंधभक्त कितना ही भौंकते रहे। बलराम शहर में भी लॉकडाउन को लेकर बहस जारी है। अब तक कोई ठोस फैसला तो लॉकडाउन को लेकर नहीं हुआ है, पर रात के कर्फ्यू का भी कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, ऐसा कई इल्मी माहिरीन और सियासतदान का कहना है। एक तरफ साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा दिया है, तो कांग्रेस ने किसी तरह के लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है कहा। कांग्रेस लीडर सीएम इब्राहिम ने हर शख्स को पहले 25,000 रुपए देने की बात करते हुए कहा कि इंसानी जिंदगी की जिम्मेदारी भी इन्हीं हुकूमतों की होगी। बेलगाम में कांग्रेस के सतीश जारकीहोली ने कहा कि अब लॉकडाउन दुरुस्त नहीं होगा, पहले ही कारोबार नहीं फैक्ट्रियां बंद है, लॉकडाउन से क्या हासिल होगा, गरीब मजदूरों के बारे में कौन सोच रहा है, लिहाजा लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, भले आवाम पर आप सख्तियां आयत करें पर किसी तरह का लॉकडाउन ना करें, ऐसा कहा गया। इस वक्त बेलगाम कांग्रेस के जिम्मेदार जनाब आसिफ राजू सेठ भी मौजूद थे। कोरोना के मद्देनजर पहली क्लास से 9वीं क्लास के बच्चों के इम्तिहानात पर आखिर फैसला आ ही गया। बिना इम्तिहानात के ही बच्चों को पास करने का फैसला मौकमा तालीम की जानिब से लिया गया। आज बेलगाम में कोरोना का आंकड़ा 100 के पार रहा। सबसे चौंकाने वाली खबर खानापुर की रही, जहां महज एक ही देहात अबनाड़ी से 150 के करीब पॉजिटिव पाए गए। हासिल इत्तला के मुताबिक गाँव के अक्सर लोग महाराष्ट्र में किसी देवी के दर्शन से लौटने की खबर हासिल हुई। बेलगाम सिविल अस्पताल के सामने कोविड टेस्ट के लिए भी लंबी कतारें देखी जा रही है। बेलगाम शहर में भी मास्क ना पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। खड़े बाजार में दुकानों में भी मास्क ना पहनने पर चालान काटने की इत्तला हासिल हुई है। बिना मास्क घूमने वालों की सैंप टेस्टिंग का हुक्म बेलगाम डीसी ने दिया है। बेलगाम चुनाव के बाद तालुका जिला पंचायत चुनाव के इम्कान हैं, पर अब फिर से कॉरपोरेशन चुनाव की चर्चा जारी हुई है। वैसे तो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन और तामीर अनु यानी वार्डों की पुनर्रचना को लेकर अदालत में मामला जेर समाप्त था, पर कॉरपोरेशन वार्ड रिजर्वेशन को पहले की तरह ही रखा गया। रिजर्वेशन पर फैसला पहले की तरह ही वार्डों को महिला जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी जो पहले ही थी इसी तरह से रखा गया। पूरे 58 वार्डों की रिजर्वेशन को पहले की तरह ही रखा गया, लिहाजा वार्ड की तामीर नौ यानी पुनर्रचना को लेकर फैसला 22 तारीख तक मुलतवी किया गया। क्या 22 तारीख को भी सुनवाई होगी या फिर तारीख आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा सवाल भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 23 तारीख से अप्रैल की छुट्टियां, लेकिन अदालत ने रिजर्वेशन पर फैसला देकर कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए जल्द रास्ता खोलने की बात कही जा रही है। बेलगाम शहर में काफी नए उम्मीदवार कॉर्पोरेटर होने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें कॉर्पोरेशन चुनाव के ऐलान का इंतजार है। वही पुराने वाले इस इंतजार में है कि फिर से वो कॉर्पोरेटर बन जाए। अब देखना है कि आने वाले नए कॉर्पोरेटरों को आवाम चुनती है या पुराने वाले ही रहते हैं। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।